हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वी ट्यूब लाइब्रेरी। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिससे आप इस तरह के बहुत से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तो आपका बहुत टाइम बिगड़ता है। तो आज आपको एक ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप बहुत ही कम टाइम में इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके सामने कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा लास्ट नंबर होगा ना, आपको उसको ऑब्जर्व करना है और इसी दो नंबर को नीचे लिख देना है। जो ऊपर होगा वो सबसे पहले लिखना है और उसके बाजू में जो हमें नीचे दिया होगा उसको लिखना है। ऊपर हमारे पास 1 था तो मैंने 1 लिखा, और जो नीचे 7 था तो मैंने 7 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डायगोनली देखना है। देखिए दोस्तों, 1, 2 और 3 मतलब कि टोटल कितने नंबर है। आपको ये नहीं देखना है कि 1 है या कुछ और है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि कितने नंबर दिए हुए हैं। हमारे पास कितने हैं, 1, 2 और 3, तो हम क्या करेंगे, 3 डैश बना देना है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, हमारे पास 4 है, 1, 2, 3, 4, तो हम कितनी डैश बनाएंगे, 4 डैश बनाएंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास 3 नंबर है तो हमने क्या किया, 3 डैश बना दिया। अब हमें क्या करना है, इधर देखिए दोस्तों कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन कराएंगे। अब किस तरह से एडिशन करना है वो बड़े ध्यान से देखना। 1 में अगर मैं 7 ऐड कराऊंगा तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा, तो मैं लिखता हूँ 8। अब हमें क्या करना है, 7 में 8 ऐड कराना है। इस तरह से आपको ऐड कराते जाना है। 7 + 8 कितना होगा दोस्तों, 15 होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 15 लिखूंगा। अब 15 में मैं 8 ऐड कराऊंगा तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, जल्दी से बताओ मुझे आंसर कितना आएगा, 23 आएगा ना, तो मैं क्या लिखता हूँ, 23 लिखता हूँ। देखा दोस्तों, मैंने इस तरह से आपको प्लस कराना है, और जब फाइनली प्लस खत्म हो जाए फिर आपको क्या करना है, जो हमारा सेकेंड लास्ट नंबर था आपको उसको ऊपर लिखना है, और जो लास्ट नंबर था उसको आपको नीचे लिख देना है। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान था ना, पता चला तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता चला है तो कोई बात नहीं, ये वाला देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको लास्ट नंबर को ऑब्जर्व करना है, जो सबसे ऊपर होगा उसको हम लिख देना है, और उसके बाजू में जो नीचे दिया होगा उसको हम लिखेंगे। ये हो गया हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। अब इसमें क्या करना है, हमको काउंट करना है, 1, 2, 3, 4 चार नंबर है तो हम क्या करेंगे, 4 डैश बना देना है। 4 डैश बना दिया। अब हमें देखना है साइन कौन सी है, प्लस की साइन है। और हाँ, एक बात बताना भूल गया दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपके माइंड में कुछ इस तरह का आता है कि प्लस की जगह अगर माइनस होता है या फिर 1 की जगह कुछ और होता है, तो ऐसे बहुत से वीडियो में आपके लिए लाने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप वो सारे वीडियोस देख सको। तो हाँ, तो अब हम कहाँ थे, अगर हम अब ये हमारे पास कहाँ है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन करते जाना है। 3 + 4 कितना होगा, 7 होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 7 लिखूंगा। 7 + 4 कितना होगा, 11 होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 11 लिखूंगा। 11 + 7 कितना होगा, 18 होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 18 लिखूंगा। और 18 + 11 कितना होगा दोस्तों, 29 होगा। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, जो सेकंड लास्ट था वो ऊपर लिखना है और जो लास्ट था वो नीचे लिखना है। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखा दोस्तों, आप इस तरह से बहुत ही कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुद से बातें रहिए, अपने आसपास सफाई रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।